नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आगे में। दोस्तों, कोई भी नई वैकेंसी निकलती है तो उसका डिटेल मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करता हूं, जिसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो लगभग 1300 प्लस वैकेंसी, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। तो आगे बात करते हैं, ये वैकेंसी निकली किस डिपार्टमेंट में। देखिए, ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये बैंक में निकली हुई है और इसको कंडक्ट करवा रहा है IBPS। ठीक है, देखिए बैंक में ये जॉब निकली हुई है, 1300 पोस्ट है इसमें। आगे पोस्ट का नाम क्या है, ये जो पोस्ट निकली हुई है इसका नाम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, बैंक में एक पोस्ट होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जैसे एक PO होता है, एक क्लर्क होता है, इसी तरीके से बैंक में एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, जिसमें आपको आगे देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें टोटल 6 वैकेंसी निकली हुई हैं, 6 टाइप की वैकेंसी निकली हुई हैं। सबसे पहली है IT ऑफिसर, दूसरी है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HP कम पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। टोटल 6 टाइप की जॉब निकली हुई हैं। तो इसके लिए आपको कितना क्वालिफिकेशन चाहिए ये चीज़ भी हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, IT ऑफिसर का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होना चाहिए। इसी तरीके से एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चरल में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। तो सारी चीज़ें जो आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर भी हम लोग डिटेल में देखते हैं कि IT ऑफिसर के लिए 4 साल में आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, CS से आपने BTech किया हो, आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से BTech किया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से BTech किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इनमें से किसी में से आपने अगर BTech कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसमें 4 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस में, डेयरी साइंस में और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। तो बाकी सारी अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आप पूरा नोटिफिकेशन में डिटेल में देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, इसी हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से राजभाषा अधिकारी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और आपको ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश आपने पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से लॉ ऑफिसर के लिए आप 4 साल के बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की, और HR के लिए आपका ग्रेजुएशन के साथ में 2 साल का MBA होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का आपका मार्केटिंग में MBA होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, आपको सारे जो भी पर्क्स दिए जाते हैं सारे बेनिफिट्स मिलाने के बाद में 42,000 पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी, जिसमें आपके सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड है। एज लिमिट इस पोस्ट के लिए क्या होगी, देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए आप मिनिमम आपकी एज 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए 27/11/2017 को। ठीक है, इसके अलावा अगर आप OBC SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप डिटेल्स देख लेंगे कि आपको किस टाइप का बेनिफिट्स मिलेंगे। अब इसमें सिलेक्शन किस टाइप से होगा, देखिए इसमें सिलेक्शन 2 स्टेज में होगा, पहले आपका लिया जाएगा प्री और बाद में लिया जाएगा मेंस। तो प्री का पैटर्न क्या है, देखिए प्री का पैटर्न लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी, इनके लिए प्री का पैटर्न अलग है, और बाकी जो आपकी IT ऑफिसर, एग्रीकल्चरल ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, इनके लिए आपका प्री का सिलेबस अलग है। देखिए, जो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी है इनमें आपका क्वांट नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग वाली जनरल अवेयरनेस, इसके 50-50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको 2 घंटे में करने होंगे, आपको इसमें मैथ नहीं पूछी जाएगी। ठीक, लेकिन अगर हम लोग बात करें IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की, तो आपको इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50-50 क्वेश्चन। ठीक, इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल 125 नंबर का पेपर होगा और टोटल 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये तो प्री का सिलेबस हो गया। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको दोनों को मिलेगा मेंस,
और मेंस का सिलेबस भी दोनों पोस्टों के लिए अलग है। जैसे राजभाषा अधिकारी के लिए एक तो आपको ऑब्जेक्टिव होगा और एक डिस्क्रिप्टिव भी आपको देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में 45 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव में 2 क्वेश्चन, टोटल टाइम आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स होंगे जिसके 60। आपको टाइम दिया जाएगा 30+30 यानी कि 1 घंटा। ठीक इसी तरीके से आईटी ऑफिसर और फील्ड एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, बाकी जो पोस्ट बची हुई हैं उनके लिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। 60 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 60 मार्क्स होंगे, 45 मिनट में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा 60 क्वेश्चंस का। तो ये तो रहा मेंस का पैटर्न। तो प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करने के बाद में आपका तीसरा स्टेज आता है इंटरव्यू, उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब देख लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कब से कब तक करना है। देखिए इस फॉर्म को अप्लाई करने की इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर्म फिलअप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 7 नवंबर को और 27 नवंबर को आप 27 नवंबर तक इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में आपका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा वो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर दो दिनों में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है और मेंस एग्ज़ाम होगा जनवरी 28 को। इस तरीके से इसके पूरे डेट्स यहाँ पर दे रखी हैं, आप डिटेल में सारी चीज़ों को चेक करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए एक तरीके से बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, 1300 पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट है। इस पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर दीजिए सो दैट आपको बड़ी आसानी से इसकी तैयारी करके, जो लोग बैंक और एसएससी की तैयारी में लगे हुए उनके लिए ये फॉर्म बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में बीटेक कर रखा है सीएस और ईसी से तो इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई करें। और भी कोई नई वैकेंसी निकलेगी तो मैं रेगुलर आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सो दैट आपको लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।